मॉनसून की पहली बरसात ने ही खोली ओवरब्रिज की मजबूती के लिए बनाए जा रहे कार्य की पोल। पक्के किनारे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, लोगों ने की जांच की मांग। करोड़ों रुपए की लागत से रादौर के यमुना नदी के नगली घाट पर यूपी को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की मजबूती की पोल यमुना नदी में मानसून की पहली बारिश के बाद आए पानी ने खोल दी है। केवल मात्र 60,000 क्यूसेक पानी से ओवरब्रिज के साथ बनाए जा रहे पक्के किनारे इस पानी में क्षतिग्रस्त हो गए। यमुना नदी का पानी जैसे जैसे कम होता जा रहा है, उससे ओवरब्रिज को हुए नुकसान के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ओवरब्रिज की मजबूती के दावे पर भी सवालिया निशान उठना लाजमी है। क्षेत्र के लोग निर्माण कार्य की जांच करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी एवं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट वरियाम सिंह ने बताया कि फिलहाल मानसून की पहली बारिश के बाद यमुना नदी में केवल 60,000 क्यूसेक पानी ही पहुंचा था, लेकिन कुछ 1,000 क्यूसेक पानी से ही यहां सरकारी कार्यों की पोल खुलने लगी है। करोड़ों रुपए की लागत से यमुना नदी के नगली घाट पर यूपी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही देखने को मिली। यमुना नदी में आए पानी से पुल के किनारों को जो पक्का करने के लिए कार्य किया गया था, वह पानी में बह गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस निर्माण कार्य में किस तरीके का मटेरियल प्रयोग किया गया। अगर यही मटेरियल ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में प्रयोग हो रहा होगा तो इससे कितना बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में उन अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा है, इस पूरे कार्य की देखरेख का जिम्मा है। निर्माण कार्य में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चिंता का विषय है, जिस पर सरकार व प्रशासन के उच्च अधिकारियों को जल्द से जल्द सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अब तक जितना भी निर्माण कार्य हो चुका है, उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच करवानी चाहिए, ताकि समय रहते निर्माण कार्य को उचित प्रकार से करवाया जा सके। यहाँ पीछे देख सकते हैं, ब्रिज का कार्य चला हुआ था और ये जो साइड पे रेलिंग बनाई गई थी कि यमुना का जो बहाव है वो तटबंधों को न तोड़े, तो वो टूट चुकी है। इसके टूटते ही जो है बड़े भ्रष्टाचार का उजागर होना सामने आया है। और मैं मौजूदा हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए जा रहे हैं, वही इस बड़े भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार किया जाए, उसकी जांच कराई जाए और इसमें लगाए गए जो माल और किए गए कार्य की कसौटी है उसको जांचा जाए, उसका आकलन कराया जाए, किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसको जांच करवाई जाए। वही दूसरी तरफ जो इसका पहले कार्य है उसकी जांच कराई जाए और जो भविष्य में होने वाला कार्य है उसको नियमानुसार कराया जाए, ताकि कभी भी भ्रष्टाचार की भेंट ये ब्रिज ना चढ़ जाए और हमारे क्षेत्र को कोई बड़ा जाने वाली नुकसान ना जाए। और जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, जिनकी समय समय पर ड्यूटी थी जांच करने की ब्रिज के मटेरियल को, और जिसने इस कार्य को किया, उन दोनों की जांच कराई जाए और कोताही बरतने वालों पर कानूनन कार्रवाई की जाए, इससे जनता को राहत मिलेगी।